नमस्कार, माय माउली हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं शेख इस्माइल। दर्शकों, नाग पंचमी की आज सभी माय माउली के दर्शकों को हार्दिक शुभेच्छा। दर्शकों, नाग पंचमी एक आज अभी तो ये महीना चल रहा है, सबसे पवित्र महीना चल रहा है, यानी श्रावण मास चल रहा है। अभी ये श्रावण मास में सोमवार का दिन सबसे ऊंचा दिन होता है और ये पवित्रता का एक अहम दिन माना जाता है। अभी उसमें सोमवार को खास करके ज़्यादा लोग उपवास रखते हैं और ये पूरे महीने में ही उपवास का सिलसिला चलता है, लेकिन सोमवार के दिन नाग पंचमी का आना ये कई सौगात लेकर आता है और अपने भक्तों को एक नया उपहार लेकर आया है। दर्शकों, नाग पंचमी के दिन आज सभी आलय में जल्दबाजी और गर्दी दिखाई देंगी, क्योंकि जो आलय हैं उन आलयों में नाग देवता की आज पूजा की जाती है, एक विशेष पूजा की जाती है। नाग को एक नाग देवता भी माना जाता है। अभी इसी संदर्भ में नदी में भी तूफानी गर्दियों के साथ पूजा पाठ मंदिर में भी चल रही है और सदलपुर आमच्या इथे मोठं महादेवाचं मंदिर शिवलिंग हे स्थापना झालं, त्याच्यात रोज आम्ही भजन वगैरे अरिसा वगैरे आम्ही हे सगळे वाचत असतो। पण हे श्रावण महिना चालू झाला, आता आज नागपंचमी, नागपंचमीच्या दिवशी आम्ही हिंदू सगळे नागाला दूध टाकतो आणि महादेवाची पूजा, महादेवाला पेर सर्वजण आणि एक लोटा जल दूध दही याच्याने आम्ही अभिषेक करतो। पंचमीच्या सर्वांना शुभेच्छा। धीमहे तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। देनाग देवताभ्यो नमः। ओम वासुकि देवताभ्यो नमः। नमस्तुते नमो सर्वेश्वराय श्रीमन्महादेवाय नमस्तुते नमः। ओम विश्वेश्वराय नमः। ओम भवाय नमः। ओम सर्वाय नमः। ओम प्रति सर्वाय नमः। ओम विश्वेश्वराय नमः। ओम नमो महादेवाय नमः। ओम नीलकंठाय नमः। रुद्राय नमः। ओम विश्वेश्वराय नमः। ओम नीलकंठाय नमः। पाप संहारम पर्व जो है नागुल पंचमी कहा जाता है इसे, और आज श्रावण मास में सोमवार के दिन आने से इसका और महत्व बढ़ गया है। इसलिए आज यहाँ सदलपुर स्थान में शिवालय में हरेक जगह से हरेक यहाँ से श्रद्धालु आकर यहाँ पे दूध चढ़ा रहे हैं और शिव जी की पूजा हो रही है, उसके साथ ही नाग देवता की पूजा हो रही है, क्योंकि इसे शिव जी के गले में एक हार माना जाता है। इसलिए इस नाग देवता को आज बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए हर कोई आ रहा है, पूजा कर रहा है और हर साल यहाँ पर किसी भी दिन हों दो नागुल पंचमी के दिन हर श्रद्धालु आकर अपनी मनोकामना पूरी करते हैं और श्रद्धा भक्ति भाव से पूजा करते हैं। यह सदरपुर का महत्व है। प्रति हर एक त्यौहार को यहाँ पर आते हैं और सोमवार आदिवार ऐसी पब्लिक यहाँ आते ही रहती है। यहाँ स्वयंभू लिंगम कहा जाता है सदरपुर में, और यहाँ जिसकी भी मनोकामना है वो भक्त कहते हैं कि हमारी मनोकामना पूरी होती है। और बाजू में ही भैरव देव का एक मंदिर है, वो भी शिव का एक अंश है, अष्ट भैरव कहा जाता है उसे, और भैरव देव के भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, आज के दिन वहाँ भी दूध चढ़ाते हैं। और सबसे बड़ा बात यह है कि आज सोमवार के दिन श्रावण मास में नागपंचमी आना बहुत ही महत्वपूर्ण है,